हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम इस फ्लोर लेंथ गाउन को बनाना। आप देख ही सकती हैं ये फुल स्लीव्स गाउन है और इसको हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये मैंने 3.5 मीटर तो जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और जो ये वाला फैब्रिक है ये मेरा लगभग 1.5 मीटर फैब्रिक है, क्योंकि इसमें हमें अपनी स्लीव्स फुल में बनानी है और टॉप पार्ट भी बनाना है। तो ये मेरा 1.5 मीटर फैब्रिक है, थोड़ा बहुत इसमें से बचेगा, ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने टॉप पार्ट के लिए लिया है, वो मैंने अपनी बाजू के लिए लिया था। तो टॉप पार्ट की तैयार लंबाई है हमारी 16 इंच, तो इसमें हम 1 इंच की अलग से पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। तो मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है, 7 इंच पे शोल्डर लेंगे, 7 इंच पे ही हम इसके आर्म होल लेंगे। और जो भी आपका ब्रेस्ट साइज है, जैसे ब्रेस्ट साइज यहाँ पे 40 है तो 40 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 10 इंच आता है। तो हमने 12 इंच लिया है। नीचे से जो भी कमर साइज है 36 है तो 36 का चौथा हिस्सा 9 आता है, तो मैंने 11 इंच लिया है उसमें भी, क्योंकि उसमें हम प्लेट्स भी डालेंगे। आर्म होल वाली साइड से हम गोलाई दे देंगे और फ्रंट वाली साइड से 1 इंच पे, बैक वाली साइड से 1.5 इंच पे। तो पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट के यहाँ से थोड़े से 1/2 इंच के आर्म होल को हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमारे कटिंग हो गए हैं। अब क्या करेंगे, फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने ये भी इसकी कटिंग कर दी है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब ये हमारी फुल स्लीव्स हैं। तो इस स्लीव्स के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। 9 इंच चौड़ाई लेंगे, 3 इंच पे ऐसे निशान डाउन करेंगे स्लीव्स को, और जो सिंपल हमारी कर्व होता है स्लीव्स का वो देंगे। आपकी जो भी फिटिंग है उसमें आप 1.5 इंच और ऐड करके यहाँ पे फिटिंग के लिए निशान लगा लीजिए। तो यहाँ से हमने ये 2 निशान लगाए हैं। अब इनको हम स्ट्रेट कर देंगे। इसमें ज़्यादा लूजिंग ना रखें आप, 1.5 इंच से लेके आप 1 इंच की लूजिंग ही रखें फुल स्लीव्स में, क्योंकि फिर बाद में फिटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो बस इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से इसको थोड़ा सा घुमा के और बिल्कुल गोलाई में कटिंग करेंगे। तो ये दोनों बाजू, और इसमें हम अस्तर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है। जॉर्जेट के ऊपर सिक्वेंस की कढ़ाई है इस फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि इसमें पेपर कैनवास लगा हुआ है, वो जब इसे वॉश करेंगे तो वो निकल जाएगा, फिर पूरा जॉर्जेट फैब्रिक निकल जाएगा। आर्मोल वाली साइड से हमने 1 इंच डाउन करके वहाँ पर निशान लगा दिया है। अब ये जो जॉर्जेट फैब्रिक है ये 3.5 मीटर है, तो इसको हम इस तरीके से पहले 2 तह में बिछा लेंगे बराबर करके। पहले अच्छे से 2 तह में बिछा लीजिए। अब देखिए, इसका एक कोना पकड़िए और इसको ऐसे तिकोना कर दीजिए, यानी ट्रायंगल में कर दीजिए। ट्रायंगल में करने के बाद अब उसके बाद इसको नीचे से, अगर आपको लेंथ अपनी ज़्यादा रखनी है तो आप उसको थोड़ा नीचे से एक्स्ट्रा रखें। तो मैंने 1 इंच कम करके टॉप पार्ट को लिया है क्योंकि उतने की हमारी प्लेट डल जाएंगी। अब यहाँ से हम मेज़र करेंगे, जैसे हमारा आ रहा है 12.5 इंच पे, तो 12.5 इंच पे ही हमारा ये पूरा होना चाहिए। तो यहाँ से हम, जैसे हमारे गाउन की लेंथ है 55 इंच तैयार, तो आपको ऊपर से निकाल देना है अपना टॉप पार्ट का माइनस करके, और फिर आपको लेंथ लेनी है। अगर हम बिना टॉप पार्ट को ऐड करें नापे तो 40 हमारा रेडी है, और उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि सिलाई में जाएगा। इस पर हम पीको कराएंगे तो 1 इंच हमारा उसमें चला जाएगा। अब सभी डॉट को मैंने बना लिया है, इसमें जॉइंट भी आएगा जैसे आपको दिख ही रहा है। सभी डॉट को एक दूसरे से अटैच करके और फिर कमर वाला हिस्सा भी कट कर देंगे, और ये जो किनारी वाला पार्ट है ये निकालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, और इसमें जॉइंट के लिए जो हमारा नीचे से कपड़ा बचा था उसी को रख के और यहाँ से इसमें हम जॉइंट लगा देंगे। बीच से इसे कट कर लेंगे क्योंकि बंद दोनों पार्ट ओपन होंगे तभी, और फिर उसके बाद साथ के साथ इसमें पिन लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि इससे हमें ये पता रहेगा कि हमारी जो पिन है वो, हमारा जो कपड़ा है वो वहीं जॉइंट होगा। अब जैसे मैंने आपको अपना मेन फैब्रिक कट करके दिखाया है, सेम उससे 2 इंच कम करके, जैसे वो हमने 42 पे कट किया था, इसको मैंने 38 पे लिया है क्योंकि इससे लगभग 2 से 3 इंच आप कम करके रखें। अब इसमें भी थोड़ा सा जॉइंट आएगा, अब यहाँ पे भी पिन लगा लेंगे हम। तो बस मैंने पूरे सब रेडी कर लिए हैं। अब जो हमने पिन लगाई थी
ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि अच्छे से सिलाई लगा के सारी पिन निकाल दी हैं और प्रेस से कपड़े को अच्छे से बिठा दिया है, मतलब दोनों पार्ट में, अस्तर में भी और अपने मेन फैब्रिक में भी। अभी ये कमर वाला हिस्सा है इसका, तो ये है इसका अस्तर। तो अस्तर को हमने क्या किया है, सिल के और नीचे से मोड़ दिया है डेढ़ डेढ़ इंच के बराबर। ये भी कमर वाला हिस्सा है, तो दोनों की हम राइट साइड रख के और पहले जो कमर वाले हिस्से हैं उनको सिलाई कर देंगे एक दूसरे के साथ। आप चाहें तो दोनों पे ही आप पीको करा सकती हैं, लेकिन मैंने अस्तर को मोड़ा है और जो जॉर्जेट फैब्रिक है उसके ऊपर हम पीको कराएंगे। तो बस इसको हमने कमर वाले हिस्से को सिल दिया है और अभी हम अपना मेन फैब्रिक रेडी करेंगे, मतलब टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने सेम अपना मेन फैब्रिक कट किया था, अस्तर को भी मैंने ऐसे ही कट कर लिया है। तो अस्तर मैंने इसमें कॉटन नहीं लिया है क्योंकि ये जॉर्जेट है तो वो थोड़ा धुलने के बाद हमारा पतला होता है, इसलिए मैंने इसमें सैंटून यूज़ किया है। 3 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे, ये हमारा फ्रंट गला है, और 7 इंच पे हम गले की लेंथ रखेंगे। ये वी नेक गला बना रहे हैं हम इसमें और इसको कट नहीं करेंगे। पिन लगा दी ताकि ये बराबर आए। अब इसको ऐसे एक साथ रख के और हाथ से हल्का सा थपथपाएंगे ताकि ये निशान दूसरी साइड भी आ जाए। अब इसको हल्का सा हम डार्क कर देंगे इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा गला रेडी। अभी हम क्या करेंगे कि मेन फैब्रिक के ऊपर इसको उल्टा करके रखेंगे, मतलब जो आपका अस्तर वाला आपका जो मेन कपड़ा है वो तो सीधा होना चाहिए, अस्तर को उल्टा करके रख लीजिए इसके ऊपर। 2 पिन लगा ली हैं, अब इसी गले के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, जैसे हमारा गला है उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे, कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। और जो पीछे वाला हम गला तैयार करेंगे उसकी लेंथ चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 5 इंच पे ऐसे ही तैयार करेंगे उसको भी। तो यहाँ से ये पिन निकाल देंगे और इस कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे आधा इंच का डिस्टेंस रखते हुए, यहाँ से आधा इंच का डिस्टेंस रखते हुए इसमें कट लगाएंगे। इस तरीके से कट लगाने के बाद अब इसको हम पलट देंगे ऐसे उल्टी साइड को पलट के, और एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा देंगे ताकि ये दोनों पीस अच्छे से जम जाएं। अब सिलाई को घुमा देंगे, अब इसके चारों तरफ को हम सिलाइयां लगाएंगे। जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इसमें से कट कर देंगे, पहले अपने कपड़े को और जो हमारा अस्तर है उसको अच्छे से सिल लेंगे चारों तरफ से। अब नीचे का बॉटम भी हम सेम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये पूरा सिल लिया है। अब 5 इंच तो हम इसकी चौड़ाई रखेंगे प्लेट की, और जो डिस्टेंस रहेगा वो इसके बीच में हमारा 8 इंच का रहेगा, यानी 4 इंच लिया है मैंने ओपन होने के बाद, वो 8 इंच रहेगा। आधा आधा इंच की हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, सेम यहाँ से भी ऐसे ही डालेंगे। और बैक पार्ट में भी ऐसे ही डालनी है आपको। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया रेडी। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये पट्टी ली है, इस पट्टी की चौड़ाई हमें 1 इंच रखनी है, लेकिन 2 इंच ली है क्योंकि ये आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच जब इसको सिलेंगे इसमें जाएगा। इसके साथ मैंने अस्तर को और कैनवास पेपर को प्रेस से अच्छे से रेडी कर लिया एकदम फिनिशिंग के साथ इस पट्टी को। तो मैंने इसकी 15 इंच ली थी, तो अब 16 इंच हो जाएगी इस टॉप पार्ट की लेंथ हमारी। ये पट्टी लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है गाउन में। तो यहाँ पे एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे। अब हमारा चला गया आधा इंच कपड़ा ऊपर चला गया, जैसे 2 इंच की ली है, तो जब हम इसमें घेरा अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा उसमें चला जाएगा, तो 1 इंच की पट्टी हमारी रेडी रह जाएगी। तो देखिए अब हम घेरे को सिल रहे हैं, तो इसमें भी हमारा आधा इंच जाएगा। तो पूरे ही घेरे को बराबर करके सिलाई करेंगे, और ध्यान रखिए बराबर होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो पहले ही आप नाप लीजिए उससे, अगर कहीं से छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको थोड़ा सा कट करके एडजस्ट कीजिए, लेकिन बराबर होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स हो गई 1 इंच की पट्टी हमारी रेडी इसमें। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और ये हो गया बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में भी सेम वही हमने किया है, गला भी प्लेट्स भी। अब बस इन दोनों का हम शोल्डर जोड़ देंगे अच्छे से। यहाँ से शोल्डर जोड़ने के बाद अगर शोल्डर वाली साइड से कहीं से कपड़ा, आर्म होल वाली साइड से कपड़ा ज़्यादा बैठ रहा है तो उसको कट करके आप बराबर कर लीजिए, लेकिन मेरा बराबर है। अब बाजू लगाएंगे, बाजू का बॉटम मैंने 1 इंच मोड़ दिया है।
अब जो हमने ये निशान लगाया था कि फ्रंट पार्ट में जो हमने डाउन किया था 1 इंच का, वो फ्रंट पार्ट में ही आना चाहिए। वहाँ पे मैंने एक छोटा सा कट भी लगाया था, वहाँ पे मैंने F भी लिखा था ताकि हमें ये पता रहे। अब बस स्लीव्स को उल्टा करके रख लीजिए सीधी साइड को, और खींचना नहीं है बिल्कुल भी, ना ही अपने बाजू वाले कपड़े को खींचना है, ना ही स्लीव्स को खींचना है। बस आराम से आप ऐसे रखते जाएं और स्लीव्स को लगाते हुए जाएं। अब जो भी आपका वैसे इसमें एक्स्ट्रा होता नहीं है तो आप पहले ही नाप के तब स्लीव्स लगाएं। अगर थोड़ा बहुत स्लीव्स का फैब्रिक एक्स्ट्रा बैठ रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा उसे कट कर लीजिए। तो देखिए स्लीव्स भी हमारी अच्छे से लग गई हैं, दोनों स्लीव्स को मुझे सेम ऐसे ही लगाना है। अभी क्या करेंगे, अब इसकी हम फिटिंग कर लेंगे। आपका जो भी फिटिंग है उस हिसाब से आप दोनों साइड से फिटिंग कर लीजिए, अपने किसी पुराने गाउन से या पुरानी कुर्ती से, क्योंकि हमें कमर तक का इसमें पूरा फिटिंग चाहिए, उसके बाद हमारा नीचे से पूरा खुला रहेगा ये। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, एक तो आर्म होल वाली साइड और एक ये दोनों पट्टी आपकी मिलनी चाहिए। अगर आप ऐसी पट्टी लगा के अपना गाउन बना रहे हो, अगर पट्टी आपकी छोटी बड़ी हो गई तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि यहाँ से प्लेन फैब्रिक है। तो मैंने कमर तक अच्छी फिटिंग दी, उसके बाद हम यहाँ से नीचे तक पूरा ऐसे ही सिलेंगे। और ये भी ध्यान रखें कि हमारा ये लगभग 3 से 4 इंच ऊंचा है इससे अस्तर से, तो वो भी अस्तर भी एकदम बराबर होना चाहिए। अब दूसरी साइड से सेम फिटिंग करेंगे, तीनों चीज़ नापेंगे, एक तो आर्म होल वाली साइड बराबर होनी चाहिए, दूसरी कमर वाली साइड बराबर होनी चाहिए आपकी, और नीचे की घेरे वाली। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। तो हमने दोनों साइड को फिटिंग इसकी कर ली है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। आप भी अपने लिए ऐसा ही गाउन बना सकती हैं जो मेथड मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।